क्वेश्चन फोर्थ है स्टूडेंट, आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिया है चार साइड वाला। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। क्या ये आपके ग्रेटर देन होगा ए सी प्लस बी डी के? सो ये देखिए, हमने पहले वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो देखो इसमें ए बी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन डी बी, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ सेकेंड ट्रायंगल ले लिया बी सी डी, सो इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर थर्ड ट्रायंगल लिया हमने ए सी बी, इसमें भी ये प्रॉपर्टी, ए बी प्लस ए बी सी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड यानी ए सी। फिर ए सी डी ट्रायंगल लिया ए सी डी, इसमें लगाया हमने सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी, ये चारों इक्वेशन को जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट से, ए बी प्लस डी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो लेफ्ट साइड में आ गया। देखो ये सेम क्वांटिटी टू टू टाइम्स आ रही है, बी सी भी टू टाइम्स है, डी ए भी टू टाइम्स है, सी डी भी टू टाइम्स है ना। अब राइट साइड में देखें, बी डी प्लस बी डी ट्वाइस ऑफ बी डी, ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी कॉमन लेने पे, और ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना। अब दोनों ही साइड में हमने टू से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, है ना, दोनों साइड किया है बैलेंसिंग करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ ओनली क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, स्वयं प्रूव इति सिद्ध। ये क्यों किया, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था ना, उस इक्वेशन में सिर्फ इतना सा दिया हुआ था, उसमें ट्वाइस और ट्वाइस नहीं दिया था, दोनों साइड कॉमन वैल्यू है ट्वाइस, तो वी कैन, है ना, कैंसिल आउट बाय डिवाइडिंग इट बाय टू, हम कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों साइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग भी करना जरूरी है, अदरवाइज इसका नेचर बदल जाएगा। हमें नेचर नहीं बदलना मैक्स के अंदर, हमें बस क्या करना है, जो आंसर हमें चाहिए था उसको नेचर, उसी के नेचर में उसको, है ना, फाइंड करना है। उसका नेचर क्या था, या तो दोनों साइड टू हटा दिया जाए या दोनों साइड टू लगा रह दिया जाए, लेकिन जो आपको प्रूव करना था उसमें कह रहा है कि दोनों साइड से टू हट जाना चाहिए, तो हटाने के लिए क्या किया जाएगा भाई, इनटू में ये टू, तो दोनों साइड डिवाइड में टू करना पड़ रहा है। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज स्मॉलर देन ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, ठीक है। अब इसी वाले क्वाड्रिलेटरल में आपको ये प्रूव करना है। सो हमने क्या किया, ये मान लिया कि ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये वाली प्रॉपर्टी, ए ओ प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी थर्ड साइड। फिर बी ओ सी ट्राइंगल लिया, बी ओ सी, बी ओ ओके प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी। देन फिर थर्ड ट्राइंगल लिया सी ओ डी, सी ओ प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन सी डी। फिर ये वाला ट्राइंगल ले लिया ए ओ डी, डी ओ प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन डी ए या ए डी कह दीजिए आप, और चारों को जोड़ दीजिए। चारों को जोड़ने का मतलब है लेफ्ट साइड को लेफ्ट से, राइट को राइट से, ए ओ, है ना, प्लस ए ओ ट्वाइस ऑफ ए ओ, बी ओ प्लस बी ओ ट्वाइस ऑफ बी ओ, सी ओ प्लस सी ओ ट्वाइस ऑफ सी ओ, डी ओ प्लस डी ओ ट्वाइस ऑफ डी ओ, है ना। तो इस सारे दो दो बार हैं, और राइट साइड में ए बी बी सी सी डी डी ए। अब यहाँ जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए इस तरह से ए ओ प्लस सी ओ, ये भी दो बार था ए ओ, ये भी दो बार था, दोनों में से टू कॉमन ले लिया, ठीक है। बी ओ भी टू टाइम्स था, डी ओ भी टू टाइम्स था, दोनों में से टू कॉमन ले लिया, तो बी ओ प्लस डी ओ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ए ओ प्लस सी ओ किसके बराबर है, देखिए ए ओ प्लस सी ओ इज इक्वल्स टू ए सी, एंड डी ओ प्लस ओ बी किसके इक्वल है, डी बी। तो इनकी जगह इनको रिप्लेस कर दिया ए सी से, इसको रिप्लेस कर दिया बी डी से, तो ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी, ट्वाइस टू कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो ओनली क्या बचा ब्रैकेट में, ए सी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए स्मॉलर देन है ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी से। इसका ये ग्रेटर का मतलब ये है कि भाई ये जो है ये चारों ये इससे स्मॉलर है, इन चारों का सम क्या है, ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी डी से स्मॉलर है, तो हमें ये प्रूव करना था, तो इसको हमने इस तरह से ही लिख दिया, ठीक है, तो हैंस प्रूव हो गया।
नाउ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12 एंड 15 बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल. किन दो मेजरमेंट के बीच में आपकी थर्ड साइड आएगी. तो देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो आपको दो साइड कौन कौन सी दी है, 12 और 15, इनका सम क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा. ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी जो थर्ड साइड होगी वो 27 से छोटी होगी. ओके नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने कि जो दो साइड का डिफरेंस होता है ना वो थर्ड साइड से छोटा होता है. तो 15 माइनस 12 3 इज स्मॉलर देन थर्ड साइड. तो थर्ड साइड जो होगी वो है ना ग्रेटर देन होगी 3 से, ग्रेटर देन 3 और स्मॉलर देन 27. अब वापिस से देखो, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज स्मॉलर देन थर्ड साइड. अब हमने इसका उल्टा कर दिया, 12 माइनस 15 नेगेटिव वैल्यू है ना, मैं आंसर आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी आंसर में, माइनस 3, थर्ड साइड इज स्मॉलर देन माइनस 3. बट नॉट पॉसिबल. क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है वाली, क्योंकि आपने देखा कि थर्ड साइड तो ग्रेटर देन 3 है ना, तो ये इक्वेशन तो पॉसिबल नहीं है. तो ओनली कौन कौन सी इक्वेशन पॉसिबल है, एक तो ये और एक ये वाली कि थर्ड साइड आपकी जो होगी वो ग्रेटर देन 3 होगी और स्मॉलर देन 27 होगी. तो तीन से तो बड़ी होगी, यानी 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है ना, और लेकिन 27 से क्या होगी, छोटी होगी.